हेलो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ जीएसटी आर नाइन और नाइन सी के जो रिपोर्टिंग टेबल है उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में फाइनेंशियल ईयर उन्नीस बीस में कौन कौन सी टेबल आपको मैंडेटरी है जो देना ही है और कौन सी टेबल ऑप्शनल है तो चलिए समझते हैं जीएसटी आर नाइन और नाइन सी में रिपोर्टिंग टेबल रिक्वायरमेंट के बारे में तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक वी स्टार्ट पेड प्रोफेशनल सर्विसेज दोस्तों आप यहाँ पे जीएसटी रिफंड के लिए पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जहाँ पे आपको की पेड सर्विस मिल जाती है जैसे कि जीएसटी रिफंड टीडीएस रिफंड इनकम टैक्स रिफंड जो कि हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा दी जाती है ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सो दोस्तों बात करने वाला हूं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जी एस टी ईयर नाइन एंड नाइन सी फॉर फाइनेंशियल ईयर उन्नीस बीस ठीक है सबसे पहले हम समझते हैं जो एप्लीकेबिलिटी है जी एस सी नाइन और नाइन सी की उसके बारे में किसको किसको भरना है जी एस सी नाइन और नाइन सी तो सबसे पहले बात करते हैं जिसकी टर्न ओवर अप टू टू करोड़ रुपीज़ है उसके लिए जी एस सी नाइन जो है ऑप्शनल है और जी एस नाइन सी वो भी ऑप्शनल है और जिसकी टर्न ओवर मोर देन टू करोड़ है एंड अप टू फाइव करोड़ रुपीज़ तक है उसके लिए जी एस है

अगर आपकी टर्न ओवर दो करोड़ से पांच करोड़ के बीच में है तब आपको जेएसर नाइन सी नहीं भरना यह आपके लिए ऑप्शनल है और अगर आपकी टर्न ओवर पांच करोड़ से ज्यादा है तब आपको जेएस और नाइन सी दोनों ही भरना ही पड़ेगा ठीक है दोस्तों चलिए अब समझते हैं रिपोर्टिंग टेबल रिक्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं जीएससीआर नाइन के अंदर टेबल वाइज कौन कौन सी टेबल्स को जो देना ही पड़ेगा दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं जीएससीआर नाइन के टेबल के बारे में टेबल नंबर फोर टेबल नंबर फोर के अंदर हम क्या देते हैं डिटेल ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल एज डिक्लेयर इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे जो भी हमने एडवांस लिया ठीक है जो हमने आउटवर्ड सप्लाई करी है या इनवर्ड सप्लाई करी है जिसके ऊपर हमारा टैक्स पेबल बना है उसकी डिटेल देते हैं यहाँ पे टेबल फोर ए फोर बी फोर सी फोर डी फोर ई एंड फोर एफ तक डिटेल्स देते हैं तो ये जो टेबल है फोर बी सी डी ई एफ ये तो मैंडेटरी है आपको देना ही पड़ेगा तो उसके बाद टेबल बात करें टेबल आई जे के एल ये वाली जो टेबल है दोस्तों ये टेबल ऑप्शनल टेबल है ठीक है इसकी आपको सेपरेटली डिटेल जो है वो भरने की जरूरत नहीं है ऑप्शनल है चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं ठीक है थीके? और इसकी रिपोर्ट आप क्लब करके ठीक है फोर बी से ई तक में रिपोर्ट दे सकते हैं मतलब आई से लेके एल तक की टेबल जो है आप क्लब करके रिपोर्ट फोर बी से लेके आप ई तक की टेबल में रिपोर्ट कर सकते हैं क्लब करके अगला आते हैं दोस्तों टेबल नंबर फाइव के बारे में टेबल नंबर फाइव में आपको देना होता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नोट पेबल मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे टेबल नंबर फाइव आउटवेट उन आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल नहीं बना है जैसे एग्जाम सप्लाई नील सप्लाई इस तरह की ठीक है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे टेबल फाइव ए बी सी ये तो मैंडेट्री है ये देना ही पड़ेगा आपको उसके बाद रही बात टेबल फाइव डी ई एफ ये सभी टेबल जो है इसकी आप कंसोलिडेट रिपोर्ट कर सकते हो एग्जाम्ट वाला जो रो है एग्जाम वाला रो है उसके अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसके बाद बात करें टेबल फाइव एच आई जे के ये सभी टेबल ये ऑप्शनल है इसका भी आप रिपोर्ट जो है वो क्लब करके टेबल नंबर फाइव ए से लेके एफ तक ने रिपोर्ट कर सकते हो आप ठीक है ना दोस्तों मतलब कि टेबल नंबर फाइव की बात करें तो नील रेटेड वाली सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे टेबल फाइव बी फाइव ए फाइव बी फाइव सी तो मैंडेटरी होगा देना ही पड़ेगा ठीक है और फाइव डी ई एफ इन सभी टेबल को आप एक टेबल है को आप एग्जाम वाला जो रो है उस वाले रो में इन सभी टेबल की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं कॉन्सॉलिडेट ठीक है कॉन्सॉलिडेट रिपोर्ट कर सकते हैं फाइव एच से लेके के तक ये ऑप्शनल है इसको आप क्लब करके फाइव ए से फाइव एफ में रिपोर्ट लिख सकते हैं क्लब करके मतलब इकट्ठा है जो नेट ऑफ वाली वैल्यू है जैसे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है तो उसे लेस करके आप वैल्यू को ले सकते हो ठीक है यही सेम चीज आपको टेबल फोर में करनी है क्लब वाली जो मैंने बताया उसको आपको नेट ऑफ करके लिख सकते हो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को जो भी है वो एड या लेस करके लिख सकते हो ऊपर उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर सिक्स डिटेल ऑफ आई टी सी अवेल एज डिक्लेयर इन रिटर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी आपने आई टी अवेल किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसके अंदर रिपोर्ट करते हैं तो ए एंड अदर्स टेबल जो वो है है वो देना ही पड़ेगा आपको उसके बाद बी सी डी और ई e, तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना होता है इनपुट कैपिटल इनपुट सर्विस और इनपुट का ठीक है तो गवर्नमेंट कह रही है कि या तो आप सेपरेटली ब्रेकअप दे दो आई का या फिर टोटल आप रिपोर्ट कर दो इनपुट में और कैपिटल गुड्स वाला आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना है ध्यान रखना उन्नीस बीस में आपको कैपिटल गुड्स का जो आई टी सी है वो सेपरेटली रिपोर्ट करना है और इनपुट सर्विस या इनपुट वाले को दोनों को इकट्ठे आप इनपुट वाले रो में लिख सकते हो ठीक है और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप सिक्स सी टेबल का और सिक्स डी टेबल का सेपरेटली रिपोर्ट, रिपोर्ट कर लो या फिर कॉन्सोलीट डिटेल आप सिक्स सी और सिक्स डी के सिक्स डी वाले टेबल में रिपोर्ट कर सकते हो अगला आता है दोस्तों टेबल नंबर सेवन जहाँ पे आप अपने आईटीसी रिवर्सल की या इन एलिजिबल आई की डिटेल देते हो जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किया ठीक है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के एरिए सेवन ए सेवन बी सेवन सी सेवन डी और सेवन ई वाली जो टेबल है उसको आप सेपरेटली रिपोर्ट कर लो या फिर उन सभी की रिपोर्टिंग आप एच वाले सेवन एच वाले कॉलम में दे सकते हो यहाँ पे सेवन एफ सेवन जी और सेवन एच जो है वो मैंडेट्री है देना ही पड़ेगा उसके बाद बात करें टेबल नंबर एट जहाँ पे अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना होता है ये मैंडेट्री है इस टेबल के अंदर आपको देना ही पड़ेगा रिपोर्ट फिर आता है टेबल नंबर नाइन डिटेल ऑफ टैक्स पेड डिक्लेयर इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो आपने टैक्स पे किया जो आपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसकी रिपोर्टिंग देनी होती है ये भी आपका मैंडेट्री है फिर दस और ग्यारह की बात करें तो सप्लाई या टैक्स डिक्लेयर रिड्यूज रू अमेंडमेंट नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो जो भी आपने अमेंडमेंट के थ्रू सप्लाई बढ़ाई है या घटाई है डिटेल तो आपको यहाँ पे देनी होती है दस ग्यारह में ये मैंडेटरी है टेबल नंबर बारह तेरह की बात करें तो आईटीसी रिवर्सल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड आई टी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपने जो आई अवेल किया उसका रिवर्जल अगर किया है पिछले साल का इस साल में या पिछले साल का आई इस साल के अंदर लिया है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको बारह तेरह में देनी होती है तो ये ऑप्शनल है देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर आप इसको छोड़ सकते हैं पंद्रहवे की बात करें कोई डिमांड है रिफंड है उसकी डिटेल देनी होती है ये भी ऑप्शनल है इसको देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं सोलह की बात करें कोई भी आपने सप्लाई रिसीव करी है कॉम्पिटिशन टैक्स वाले पर्सन से या कोई डीम्ड सप्लाई है अंडर सेक्शन वन के अंदर तो जहाँ पे गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पे भेजा उसकी रिपोर्ट देनी होती है देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं ठीक है ठेके? जो कॉम्पोजिशन से आपने सप्लाई रिसीव करी है या सप्लाई आपने करी है अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री के अंदर तो उस तरह की डिटेल आपको यहाँ देनी होती है एच एस एन वाइज समरी देनी होती है सत्रहवें में ये ऑप्शनल है ठीक है आउटवर्ड सप्लाई के लिए और अठारहवें में देनी होती है एच एस एन वाइज समरी इनवर्ड सप्लाई के लिए तो ये भी ऑप्शनल है देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं मैंडेटरी नहीं है अगला बात करें दोस्तों यहाँ पे नाइन सी में रिपोर्टिंग टेबल की रिक्वायरमेंट Nancy में कौन कौन सी टेबल रिक्वायर्ड है जो आपको देना ही पड़ेगा सबसे पहला आता है टेबल नंबर ऑफ़ ठीक है यहाँ पे 5A, है देना ही पड़ेगा फिर 5B से लेके 5N तक, उसकी रिपोर्टिंग तो देना ही पड़ेगा फाइव बी से लेके फाइव एन तक उन सभी की रिपोर्टिंग आप फाइव ओ में कर सकते हो अगला आता है रिकनसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्न टैक्सेबल टर्न का रिकनसिलेशन देना पड़ेगा टेबल नंबर सेवन में ये मैंनेडेट्री है देना ही पड़ेगा फिर नौवे में आता है रिकनसिलेशन ऑफ टैक्स पेड जो आपने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ती है ये भी मैंडेट्री है ग्यारहवें में आता है एडिशनल अमाउंट पेबल बट नो पेड ड्यू टू रीजन स्पेसिफाई अंडर टेबल सिक्स एट एंड टेन अब 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 यहाँ पर कोई भी एडिशनल अमाउंट पेबल बना है लेकिन पेड नहीं किया आपने ठीक है तो उसका आपको यहाँ पे रीज़न देना होगा सिक्स टेबल सिक्स का टेबल एट का या टेबल नंबर टेन का ठीक है तो ये मैंडेट्री है अगर आपका कोई एडिशनल अमाउंट पेबल बनता है तो फिर आता है बारहवें में रिकन्सिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट तो जो आपका आई की डिटेल है वो आपको बारहवें में देनी होती है बारहवें ए का जो है वो मैंडेट्री है बारहवा बी बारहवें का बी और बारहवें का सी ये ऑप्शनल है इसको चाहे तो दे सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं फिर चौदवा आता है रिकनसीशन ऑफ आई टी डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जी एस टी विद आई टी सी आर वेल एक्सपेंसिस एज पर ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंसिस वाइज आई की ब्रेकअप वाइज डिटेल देनी है कि आपने परचेज के ऊपर कितना आई लिया और अदर एक्सपेंसिस है उसके ऊपर कितना आई लिया तो ये वाला जो टेबल है टेबल नंबर फोर्टीन ये ऑप्शनल है जी एस सी के अंदर अगला बात करें टेबल नंबर सिक्सटीन के बारे में जहाँ पे आपको टैक्स पेबल ऑन अन डिफरेंस इन आईटीसी मतलब कि जो आपका डिफरेंस बना आईटीसी के अंदर और जहां पे आपका मतलब कि जो आपने आईटीसी ऊपर दिया उसका रिकन्सलेशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है और टैक्स पेबल बन रहा है जिसके ऊपर आपका ठीक है तो उसकी डिटेल आपको सोलवे में देनी है ये मैंडेटरी है जो आपका अन बना है मतलब रिकांसाल नहीं हुआ आई और डिफरेंस आ गया तो उस केस में अगर आपका टैक्स पेबल बना है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे सिक्सटीन के अंदर देनी है जी एस सी के अंदर तो दोस्तों ये थी रिक्वायर्ड टेबल की डिटेल तो दोस्तों ये थी रिक्वायर्ड टेबल्स जहाँ पे आपको कुछ मैंडेटरी भी है कुछ ऑप्शनल भी है आपको जी एस और नाइन सी में देना है जब भी आप जी एस या नाइन सी फाइल करें तब आप इन टेबल को ज़रूर देख लें वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम